देखो बहुत जल्द किया गया अरे भाई सारो भैया राहुल भैया तुम्हारा तो पाओ खुद खुद किस्मत रहेगी हम तुम्हारा ब्याह हो अभी निकल सारा हो गए गोबड़ा हो गए तुम्हारे तो साले मुँह में कुकुरी हो ना मूर्ति ये तो काम हो तो भैया हमारे भाग मान रहे बोलता है और मैंने कहा तुम सरों में रहो तुम ना बोल रहा जाता तुम्हार लगने वा काम होते तुम गलत हो तो ये मेहरा साल कोई यार चाचा जी को शर्मिंदा मत करो शर्मिंदा का गलत मेहरा आयू देखो एक काम बताओ अब चाची हैं चाचा हैं बड़े भैया हैं बहुत अच्छी बात है आज तक अपने खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ ये तो सही कह जैसा राहुल ने किया है यही तो मैं सोच रहा हूँ आज तो बगैर हम लोग के बताए अपनी शादी कर लिया कल बगैर हम लोग के पूछे अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर देगा फिर हम तीनों लोग कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगते नजर आएंगे विक्रम सिंह व लक्ष्मी तुम लोग कोई पास और मैं चल रहा हूँ राहुल तक शादी करके लेके एक बहू को अपनी हवेली पर ले आया ना तो उस बहू के खानदान का पता ना माँ बाप का पता ना जाने वो हरामजादी किस खानदान की है माँ सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि वो लड़की किस खानदान की है लेकिन माँ इतनी आसानी से वो हरामजादी अपनी जुबान नहीं खोलेगी इसलिए मैं चुनाव 2 दिन के लिए राहुल को बाहर भेज देता हूँ क्यों नहीं सब अच्छी तरह से पूछना सलाम जादी से अभी बुलवाता हूँ राहुल को ठीक है राहुल जी बोल भैया देखो राहुल वैसे तो आज मुझे तुमसे वो बात नहीं कहना चाहिए लेकिन एक बहुत जरूरी काम आकर फंस गया है जरूरी काम फंस गया हाँ राहुल वो काम क्या है देखो तुम अच्छी तरह जानते कि अपनी कुछ जमीन हीरागढ़ में है सुन रहा हूँ देखा नहीं और उस जमीन के कागजात दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और उन कागजात की बहुत सख्त जरूरत है मैं चाहता हूँ कि आज शाम को तो ट्रेन से दिल्ली चला जाए और वो कागजात लेकर वापस आ जाए अरे भैया अब बड़े हैं लेकिन आपको अकल जरा सा भी नहीं दिल्ली जाएंगे वहां पर जाने में काफी पैसा लगेगा और हम किसी वकील को फोन करते हैं वो वहां से कागजात लेकर के आएगा उसका खर्चा दे दिया जाएगा वकील द्वारा अगर वो कागजात मंगवाएगा तो कम से कम 15 दिन बीत जाएंगे और वो कागजात की परसों बहुत सख्त जरूरत है मैं मानता हूँ कि आज तेरी शादी हुई है तेरी सुहागरात है दे तू कागजात ले आ सुहागरात आके सुहागरात का किसान अपनी अम्मा साथ देखी तो सुहागरात लेकिन बड़े भैया ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता देखा
इतनी आसानी से कह दिया कि ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। अरे वो जमीन में हम लोग क्या हमारा हिस्सा है, इसका भी तो हिस्सा है। हाँ। काम इतनी जल्दी नहीं होगा और सारे सुहारात तो सवा दस मिनट में कर देगा। बेटा अगर मेरी बात मानो तुम आज ही बाहर चले जाओ। मैं दिल्ली चला जाऊं? हाँ। तो इनका गोबड़ो सरों का कहे पठे लिए थे तब पर तो ठीक है, तुम सारे चले जाओ, लौट के तुम्हारे शकल न देखी। अगर आप कहती हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए मिलेंगे और अपने साथ में दोनों कुत्तों को भी साथ में। कुत्ता सुत्ता लगे हो अगर ये कह रहे हैं कुत्ता ये कुतिया तो हम तुम्हारे साथ ही चल पाए। पथल नहीं हो तुम तो बिल्कुल ना बोलो और जाए करे को बढ़ावा साले। क्या नाम सुना पकड़ रहे तुम लोग? अगर रूपा हमारे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं दिल्ली गया हूँ। अच्छा चलता हूँ। जाए थे चमलने वा ये सब राहुल की वजह से हो रहा है। माँ राहुल तो गया, अब उसकी पत्नी है घर में, अब एक आरती सजाओ जाकर उसकी आरती उतारो। ठीक है बेटा, आप चलिए नाश्ता करिए, मैं अभी जाती हूँ उसकी आरती उतारो। राहुल को तुम दिल्ली में कोर्ट कचहरी के मामले थे, मैं घर में तेरी बीवी को देखूंगा। अरे सुहागरात शादी तो तूने की है, सुहागरात में मना। ठीक है, मैं अपनी बहू को बुला। बहू क्या बात है माँ? अपनी बहू का चेहरा देखती हूँ, वाह इतनी सुंदर है, उस चांद में दाग होगा मगर मेरी बहू में दाग नहीं होगा। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मेरा नाम तो रूपा है। माँ तुम्हारा नाम रूपा है? जी माँ। और आप किस खानदान की हो? माँ मैं भी राठौर खानदान की हूँ माँ।